देखिए आप अगर थोड़ा शोर कम करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस दलित समाज ने बहुत बुरे दिन देखे हैं और आज समय आ गया है। मोदी जी ने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, वो लाने पड़ेंगे अच्छे दिन तुम्हें। ये आप लोगों की ताकत लेके आएगी, आप लोगों का वोट बैंक लेके आएगा। तो उम्मीद करता हूँ जब भी आप वोटिंग करें तो वोट डालने से पहले सोच ले, वोट को बेचे नहीं, जहां कोई और कहे वहां नहीं डालें, जहां आपका दिल कहे वहां डालें वोट, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आएंगे वोट मांगने के लिए। चंद्रशेखर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि वो पैर भी धोएंगे, पैर पकड़े भी गए, सिलेंडर भी देंगे, अनाज भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन 4.5 साल फिर आपको भूल जाएंगे। अजय देखो मैं अजय को बहुत सुनता हूँ, क्योंकि ये आदमी प्रोफेशन से अलग हटके किसानों की आवाज को बहुत मजबूती से उठाता, मैं इस बात को का धन्यवाद देता हूँ। उसको हाथ पकड़ के आगे लेके चलने का, और किसी भी समाज की दशा और दिशा बदलने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा हमारा सबसे पहले हक होना चाहिए। जिन स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते हैं वहां हमारा दाखला नहीं होता है, हमारे हिस्से में आते हैं सरकारी स्कूल, अगर वहां पे आरक्षण 30-40% कर दिया जाए तो हम भी वही शिक्षा ले सकते हैं। हमें आरक्षण की जरूरत कहां पड़ेगी फिर? हमें वो शिक्षा दिलाइए जो आप लोग लेते हैं, फिर हमें आरक्षण मत दीजिए चाहे, लेकिन हमें वो शिक्षा तो मुहैया कराइए। उन स्कूलों में हमारे बच्चों को एडमिशन तो करवाइए। तो शिक्षा मेरा, मैं कहना चाहता हूं एक ही मुद्दा है मेरा, हर समाज की दशा और दिशा सिर्फ शिक्षा बदलती है। अगर शिक्षा हमें वो मुहैया होगी तो ये समाज भी उन्हीं तरह उन्नति करेगा और आगे बढ़ेगा। तो आज शहीद आजम को याद करते हैं। पंजाब में एक गीत आया था कि भगत सिंह तेरी फोटो क्यों नहीं छपती नोटा दे, तो मैंने उसका उल्टा एंटी सॉन्ग बनाया है कि अगर भगत सिंह की फोटो नोटों पे अगर छप जाती तो कोई रिश्वत देता, कोई काले धन की तरह उसे बाहर पहुंचा देता, कोई नोटों को स्टेज पे उठा के कलाकारों के पैरों में होते वो, तो मैं नहीं चाहता नोट के ऊपर फोटो उनकी छपती, उनकी बेइज्जती मैं नहीं चाहता हूं। तो उस उपलक्ष्य में मैंने एक गीत बनाया है।